फाइनल मैच स्टार्ट हो गया यहाँ पे और फाइनल मैच जो खेला जाएगा पटेलिया वर्सेज समिति की तरफ से खेला जाएगा। तो बहुत ही अच्छा वातावरण हिमालय की गोद में बसा हुआ पूरा गांव और चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ पहाड़ के बीच में एक मैच खेला जाएगा। तो ये समिति की टीम है, ये अपना टीम का वो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनको अपने क्षेत्र रक्षण पे लाना है। तो बहुत बढ़िया टीम है इनकी, देखने को बहुत बढ़िया मैच मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कम से कम 50,000 के आसपास दर्शक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और कुछ आने बाकी। मैच शुरू, पहली बल्लेबाजी का मौका दिया है पटेलिया को और नेगी ओपनिंग बैट्समैन और ये कीपर हमारे जीतू भाई थोड़ा थोड़ा करके क्षेत्र रक्षण फैला रहे हैं अपना। और बहुत धूप खिली हुई चारों तरफ से, बहुत लोग आए हुए हैं और गेम स्टार्ट शुरू होने के लिए तैयार। पहले गेंदबाजी का बाहर संभाला है मुकेश भाई ने, फर्स्ट गेंद मुकेश भाई का धीरे धीरे कदमों से। ओ पहली गेंद वाइड, ओए गेंद भाई, गेंद भाई, शाबाश शाबाश मुकेश भाई, बढ़िया बढ़िया। तो मैं क्रिकेट का कुछ ज्यादा फैन हूँ, दो साल गया था मंदिर वाले छोर से उधर महिपाल को आगे भेजा गया यहाँ पे मुकेश के सामने। बोल है लड़के शाबाश, मेरे मेगा बोल मुकेश मुकेश के द्वारा 4 रन स्कोर दे। पहला 6 रन अपनी टीम का फर्स्ट बाउंड्री विनोद ने बहुत ही शानदार बॉल है पैर से लगती हुई गेंद, सही है सेकंड बॉलर। आज मौका मिला इनको संगीत की टीम से खेलने के लिए, वैसे कुटिल गांव के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। बॉल है के साथ स्कोर बोर्ड गुजरात
छक्के की गेंद खेल रहे छोटा गोलू के हाथ से पटेले के मध्य छह रन के लिए अभी खेल रहे तो कमल नेगी ने मारे मारा छक्का और स्मैश उनका टीम और ओए आउट 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 मिसफील्ड यार तीसरा ओवर उसके बाद फ्यूचर में भी 15 तारीख से टूर्नामेंट पदम पहले गेंद गोल्ड चले रायता में दोस्तों कट कर दिया विनय ने जब तक गेंद फिर लेते हैं एक रन चला दिया वहां से लेकिन दिस्की रहते हैं गोल्ड इस बार बढ़िया की तेजी से बाहर पाई गई थी अंपायर की नजर से नहीं देख पाए और एक अतिरिक्त आते हुए 33 रन स्कोर कर बैठ जा मां भगवती के प्रांगण में मैच चलता हुआ तो गोल्ड चले इधर लेने वापसी है बढ़िया गेंद इस बार पंडित के बाद नीचे रहे थे आज बैठो तो बढ़िया गेंद कहूंगा मैं अपने लय में वापसी गोल्ड गिरीश भी तो देखिए अभी वही बसम गिरा भरत बंद करा दे सर बढ़िया गेंद कट कर दिया आते जब तक गेंद फील्ड होती है खिलाड़ी गेंद के नीचे गिरगिराज तो एक रन से नहीं रह पाएंगे एक रन शाबाश मुके भाई बहुत बढ़िया रन चलाने का कोई मौका नहीं दिया अरे चले ओए लड़के बोल यार अपने और अगर लीजिए कुमार का भी उतना सेट है विनोद के बल्ले से छह रन अगेन से मेरे को बैट बताया छह रन और अब लास्ट ओवर रितेश बटकरी गेंद और सही नसीहत और गेंद 134 रन मैच अभी हाथ में है और अगर लीजिए बल्लेबाज ने प्रदर्शन न कर दिया रितेश का छठे छठे छह पानी को जाए आपसे हरिद्वार कट कर दिया एक और यहाँ पे मैदान में जब तक गेंद फील्ड आती है दो रन तीन दो रन की मदद से स्कोर दे रहे थे और इजाफा स्कोर फिर अरे बैठ लीजिए और कट कर दिया है जब तक गेंद फील्ड आती है एक रन के लिए निकले और दो रन दस ओवर की समाप्ति पे स्कोर मिला इनको लक्ष्य मिला है 133 रन बनाने इनको बहुत बढ़िया संगलेत की तरफ से जीतू भाई और सूरज हाँ अपने कोटे का पहला और टीम के लिए पहला ओवर मनीष लेफ्ट आर्म राउंड के बगैर गेंदबाजी करते हैं ये नीचू रोक सकती हो बॉलर वाला
तो लेफ्ट हैंड द विकेट गेंदबाज उधर पाए आपके खिलाड़ी सूरज सारे लड़के बढ़िया गेंद कट करते हैं आते देख रहे हैं पीछे जाती है गेंद पीछे के निकले जब तक की गेंद पूरी होती है दो रन एक रन के लिए निकले और तीन रन पूरे दाना पहले भगा देना ठीक रन सब चलता है अब तुम्हारे जब तक गिनती रहती है अंदर मिलता है जितेंद्र को और दो रन से संतुष्ट उन दो रन की वजह से बॉल लड़ गया जल्दी आ जाते हैं जल्दी आ जाते हैं गेंद निकल गई है जब तक गिनती रहती है दो रन से रहती है दो रन के लिए दो रन पूरे दो रन के लिए निकल गए और तीन रन के पूरे दौड़ो 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 एक रन आराम से दौड़ो फिर से दौड़ो चार रन पूरे गाने की मजा आती है भाग ले यार डांसर सही से फॉर्म बता दे अरे उनको
बात चार नहीं है बस रे बस बस आराम से चल रहा है।
आउट ओवर है अगले दिन मैच चले जितेंद्र सुनती तो कुछ हैट्रिक पे भाई लोंडा एक बार होने लगे अब चले जितेंद्र गिरे सारे ऊपर आ चुके हैं और कुछ भी हो सकता है तो भाई गेम जीत चुके हैं यहाँ पे संगलिया वाले और बहुत जश्न मना रहे हैं और थोड़ी देर में इनकी बल्ले बल्ले और हमारे साथ जीत चुके हैं बढ़िया मुबारक मैच खत्म और सारे दर्शक एक सामने एकत्रित पुरस्कार वितरण होगा अभी थोड़ी देर में और फिर और दीपांशु बार बार बोल रहा है घर चलो मैं बैग में तो भैया हम घर के लिए निकल चुके हैं और ये माता रानी का मंदिर बहुत अच्छा व्यू देखो कितना मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से।